नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल, 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति का आदेश जारी। नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए स्वीकृति। नगर निगम रायपुर को 100 करोड़ रुपए, भिलाई को 60 करोड़, बिलासपुर को 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति। प्रदेश के सभी नगर निगमों के लिए बजट की स्वीकृति। नगर निगम रायपुर को 100 करोड़ रुपए, भिलाई को 60 करोड़, बिलासपुर को भी बजट की स्वीकृति। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल, रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर निकायों को विकास कार्यों के लिए स्वीकृति। नगर निगम रायपुर को 100 करोड़ रुपए, भिलाई को 60 करोड़, बिलासपुर को 50 करोड़ की स्वीकृति। वहीं छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सियासत तेज होती जा रही है। इन्हीं सबके बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बृजमोहन और राजेश मूरत दोनों जबरदस्ती गला खराब कर रहे हैं, उनकी टिकट पक्की नहीं है। जिसके पलटवार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का पलटवार सामने आया और उन्होंने कहा कि विधानसभा में अगर गला फाड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो वो विधानसभा में क्या करते थे। साथ ही टिकट को लेकर उन्होंने कहा कि उनके सर्वे में आ चुका है कि उनके 34 विधायक इस बार जीतने वाले नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनकी चिंता करें। तो सीधी बात मैं पहले ही बोल रहा था, ये जो 14 बचे हैं वो किसी टिकट पक्का नहीं है ना। वो मैंने अजय चंद्र अगर भी मोहन जी कहा आप जबरदस्ती के अपने नंबर बढ़ाने के लिए अपना गला खराब करते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। वो तो सीधी बात मैं पहले ही बोल रहा था, ये जो 14 बचे हैं अगर हम गला फाड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो वो विधानसभा में क्या करते थे, जरा यही बता दें। और विधानसभा में हम लोग जो करते हैं वो जनता की आवाज उठाते हैं, और मुख्यमंत्री जी जनता की आवाज उठाने के लिए हमको और ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार, ये भूपेश बघेल बहरे हो गए, इनकी आंखों से गरीबों का दुख देखा नहीं, दिखता नहीं है इनको, गरीबों की जो आह है वो उनको सुनाई नहीं देती है। वो तो सीधी बात मैं पहले ही बोल रहा था, ये जो 14 बचे हैं बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। सीएम के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया पलटवार, घोषणा पत्र में जनता से वादा किए और भूल गए। सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया है। विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी नहीं है, राज्य की कांग्रेस सरकार रोज मुद्दे दे रही है। कांग्रेस देश में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। सीएम के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रायपुर से यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी की चिंता करें, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी से चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। आज राज्य में कांग्रेस की सरकार को लेकर जो आक्रोश है, आज कांग्रेस के कोई नेता जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी की चिंता करें। भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी की चिंता करें, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी से चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। आज राज्य में वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं बची है। अब कानून के रखवाले भी सुरक्षित नहीं है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि थाने के अंदर घुसकर एसआई की हत्या कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेसियों का हाथ अपराधियों के साथ है। जिले के बानवो थाना में संदिग्ध परिस्थितियों में नरेंद्र सिंह परिहार, जो वहां एसआई के रूप में पदस्थ थे, उनकी लाश थाने के अंदर प्राप्त हुई है। यह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है। जब यहां थाना सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। इस पूरे घटना की निष्पक्ष जांच सरकार को कराना चाहिए और इसमें जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज थाना वहां बंद हो गया है, लोगों में भय का माहौल है और पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर के आम नागरिकों में भय और आक्रोश का वातावरण है जो शासन। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। ग्रामीण परिवारों का होगा सामाजिक आर्थिक सर्वे। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा सर्वे। सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को दिए आदेश। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सर्वे की तैयारी करने के लिए कहा। सर्वे हेतु कार्य योजना 20 मार्च 2023 तक प्रस्तुत करने के निर्देश। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा सर्वे। ग्रामीण विकास विभाग को सर्वे की तैयारी करने के आदेश। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी 15 मार्च को विधानसभा घेराव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके लिए भाजपा नेता गांव में वॉल राइटिंग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास से वंचित हितग्राहियों को रायपुर लाने चलने का आह्वान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास को लेकर बीजेपी नेता प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर हैं, जिसका गांव गांव जाकर नेता हितग्राहियों से जनसंपर्क कर रायपुर में विधानसभा घेराव में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं इंदौर के मल्हारगंज में होने वाले बजर बट्टू के आयोजन को लेकर सभी लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सम्मेलन में निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा और हास्य कवि सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में है। 3 साल बाद होने जा रहे बजर बट्टू सम्मेलन के मंच पर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत कई राजनीतिक हस्तियां शामिल होने वाली हैं, जिन्हें बजर बट्टू की उपाधि से नवाजा जाएगा। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हर साल बजर बट्टू में एक नए रूप में दिखाई देते हैं। वो कभी चाणक्य बनते हैं तो कभी विष्णु भगवान बनते हैं। इस साल भी कैलाश विजयवर्गीय एक अलग रूप में दिखाई देंगे। वहीं आयोजकों ने इस पर इनाम भी रखा है। इस बार कैलाश विजयवर्गीय क्या बनकर आएंगे ये बताने वाले को 1.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बजर बट्टू हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर विगत 25 वर्षों से लगातार होता आ रहा है और कवि सम्मेलन का पूर्व शोभा यात्रा निकाली जाती है। सेट चुन्नीलाल जी के धर्मशाला खजूर विहार से कैलाश जी को इस जैसा हम बोलते हैंगे कैलाश जी उस रूप में हमारे साथ में इस यात्रा में शामिल होते हैंगे। कैलाश जी का ये कहना है कि भाई 364 दिन जो है जनता मेरे लिए तैयार रहती है, तो एक दिन में जनता का कहना मानने के लिए जो है वो जैसा मेरे को कहते हैं वैसे तैयार हो जाते हैं। एक राष्ट्रीय नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, महानायक जो है वो इस रूप में आते हैंगे, वो हमारे
जो टीम के कहने से वो आते हैंगे और हम जैसा उनको बोलते हैं वैसा वो। स्थानीय कलाकार हमारे अंकित सिसोदिया जी हैं, हमारी मालवी भाभी है और हमारे जो लोकल कलाकार हैं वो भी रहेंगे इसमें, हमारे शाहरुख करके मिमिक्री कलाकार वो रहेंगे और बाकी जो हास्य और व्यंग के कवि वो भी रहेंगे हमारे। भूपेंद्र सिंह केसरी, आयोजक हिंद मालवा बजरबट्टू। वहीं इंदौर में सालों पुरानी रंगपंचमी की गैर परंपरा का निर्वहन इस वर्ष भी होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार इंदौर में रंगपंचमी पर निकलने वाली गैर में कुछ खास है। रंगपंचमी महोत्सव समिति ने गैर को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस बार गैर में जूनियर अमिताभ बच्चन खास आकर्षण का केंद्र रहेंगे। गैर में जूनियर अमिताभ बच्चन एक ट्रॉले नुमा मंच पर सवार होकर चलेंगे, उनके साथ ही कुछ युवतियां डांस भी करती नजर आएंगी। वहीं बोरिंग मशीन से 100 फीट ऊपर तक गुलाल उड़ाया जाएगा और गुलाल से तिरंगा बनाया जाएगा। इंदौर में गैर महोत्सव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि रंगपंचमी के अवसर पर गैर महोत्सव होता है और इस बार कई तरीके के खास आयोजन की भी तैयारियां हैं। प्रदेश में रंगपंचमी की धूम है और रंगों से पूरा आसमान ढकने की तैयारी चल रही है। रंगों में छोड़ी जाएगी, ऐसा करके लोगों का स्वागत करेंगे। हमने जबलपुर का जो डुप्लीकेट है अमिताभ बच्चन उसको बुलाया है, उसके साथ महिलाएं वहां पे उसके ट्राले पे डांस करेगी, लोगों का मनोरंजन करेगा। हमारा यही प्रयास है कि पिछली बार से भी ये गेयर बहुत अच्छे स्वरूप में निकले और जो राजवाले का जो स्वरूप है इस गेयर का पहुँचने का, तो उसका तो एक मतलब आप कल्पना ही नहीं कर सकते। जब ये गेयर धीरे धीरे निकलने लगी तो यहाँ से इंदौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, जावरा सभी जगह जो है रंगपंचमी का उत्सव बनने लगा और सरकार को इसकी सरकारी छुट्टी घोषित, स्वैच्छिक अवकाश घोषित करना पड़ा। वैसे तो उस दिन संडे है लेकिन अगर और किसी दिन होती तो स्वैच्छिक अवकाश रहता था। तो कलेक्टर जाटव ने बिफोर 2-3 साल पहले प्रयास करा था इसको यूनेस्को में शामिल कराने का, अभी भी इलैया राजा ने इसका प्रयास करा है। तो आपने अभी देखा ही होगा कि इलैया राजा किस प्रकार से मस्ती कर रहे हैं, कीचड़ में नहा रहे हैं, मतलब वो कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं, मतलब एक संस्कृति का हिस्सा है जिसमें आदमी को आनंद आता, अनुभूति होती है। वहीं जगदलपुर के बाबू सेमरा गांव में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ जिसमें 75 जोड़ों ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, जिनमें 66 जोड़ों ने सनातन परंपरा और 9 जोड़ों ने मसीही परंपरा के अनुसार विवाह किया। इस दौरान संसदीय सचिव रेखचंद जैन समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे और इस अवसर पर बारात की अगुवाई करते हुए 75 दुल्हों के साथ बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते विवाह स्थल तक पहुंचे और दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे युवा जोड़ों को खुशहाल और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं दी। जगदलपुर की यह तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां 75 जोड़ों की शादी हुई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 75 कन्याओं का घर बसाया गया और इस दौरान मुख्य सचिव भी मौजूद रहे और संसदीय सचिव रेखचंद जैन इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। वहीं कोंडागांव जिले के जनपद पंचायत फरस गांव ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना से अमृत सरोवर यथा समुदाय के लिए जल संचयन तालाबों का नवीनीकरण कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत ग्रामीणों को जल संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जागरूक करने के साथ ही विगत दिवस बड़े डोंगर में रोजगार दिवस का आयोजन किया गया जिसमें अमृत महोत्सव के महत्व, मजदूरी दर, वन अधिकार हितग्राहियों को मनरेगा के हितग्राही मूलक पर विस्तृत चर्चा की गई।
वहीं पुलिस प्रशिक्षण शाला जगदलपुर में 9 दिवसीय योग विज्ञान शिविर का पुलिस महानिरीक्षक ने शुभारंभ किया। साथ ही आपको बता दें कि पतंजलि योग समिति ने शहर में 50 से ज्यादा जगहों पर एक साथ योग कराया। इसी क्रम में योग विज्ञान शिविर पुलिस प्रशिक्षण शाला लालबाग में भी योग शिविर का शुभारंभ बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने किया। योग के पहले दिन पुलिस के जवानों ने को योग सिखाते हुए योग प्रशिक्षक और पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी डॉक्टर मनोज पाणिग्रही ने बताया कि इस योग विज्ञान शिविर की सफलता के लिए प्रत्येक वर्ग के सहयोग की आवश्यकता है और हम सब मिलकर अपने नगर को गौरवान्वित करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य लाभ लेने के साथ करें योग रहे निरोग के नारे को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वही खबर राजनांदगांव से है जहां डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल और कलेक्टर डोमन सिंह के मार्गदर्शन में डोंगरगढ़ विधान विकास खंड के ग्राम धुमका के हाई स्कूल परिसर में दिव्यांग और वृद्धजनों के लिए एक दिवसीय स्वास्थ्य हकदारी और आजीविका आवश्यकता मैपिंग शिविर का आयोजन किया गया। शासन की इस संवेदनशील पहल से बड़ी संख्या में दिव्यांगजन और वृद्धजन लाभान्वित हुए। इस दौरान कलेक्टर ने कई दिव्यांगजनों की मदद की और अधिकारियों को संबंधित दिशा निर्देश दिए। वहीं बॉलीवुड मॉडल एक्ट्रेस नीता शर्मा ने भोजपुरी फिल्म कैसे हो जाला प्यार में सुपरस्टार पवन सिंह के साथ आइटम सॉन्ग करती हुई नजर आई। 9 मार्च को इसका टीजर आया था और 10 मार्च को यह गाना एवरेस्ट चैनल पर लॉन्च हो चुका है और इस गाने को दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच के हाथ बड़ी सफलता लगी है। टीम ने छापेमारी करते हुए 8 जुआरियों को पकड़ा है जिसमें HDFC बैंक और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजर भी शामिल हैं। आरोपियों के पास से हजारों रुपए नकदी और ताश पत्ती जब्त की गई। वहीं DCP निमिष अग्रवाल ने बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि MIG क्षेत्र के नेहरू नगर में एक बहुमंजिला इमारत के पेंट हाउस में पिछले 4 महीनों से जुआ का अड्डा चल रहा है। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई। उधर की सूचना मिली थी कि एमआईजी थाना क्षेत्र में जो है एक जगह धुआं का चल रहा था और काफी समय से वहां पर चल रहा है, तो इसमें जो है रेड करी गई है और लगभग दर्जन भर लोग उसमें पकड़े गए हैं और जो है उसमें करीब 50,000 के आसपास कैश मिला है। तो बाकी उसमें आगे थाने पर कार्रवाई चल रही है। सर, कुछ बैंक कर्मचारी भी है उसमें और थर्ड फ्लोर पर जो है एक सिक्योरिटी पूरा सिक्योर कैंपस उन्होंने बना रखा था उसका। हाँ, उन्होंने काफी उसको सिक्योर टाइप बना रखा था ताकि जो है उनको कभी उसको अच्छे से खेल पाए, तो इसलिए हमें लगता है कि काफी समय से ही चल रहा था। और इसमें जो लोग इसमें पकड़े गए हैं उनके अलग अलग बैकग्राउंड है और उस समय में और पूछताछ जारी है। वहीं बुरहानपुर के डवाली गांव से एक खौफनाक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि परिवार के प्रमुख युवक ने अपनी पत्नी और बच्चों का गला रेतने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों में पति पत्नी समेत 3 नाबालिग लड़कियां शामिल हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
वहीं बेमेतरा में पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी गई। इस दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें 20 से 25 साल के लड़के जो है आपस में लाठी डंडे से मारपीट किए हैं, जिसमें प्रमोद सिन्हा नाम के था और उसके साथ जो राजू यादव, भरती यादव, गोपाल यादव और एक नाबालिग बच्चा, ये पांचों ने गगन यादव और सतानंद यादव के ऊपर चाकू चलाए हैं, जिसमें भगव यादव जो 21 साल का है उसकी मृत्यु हो गई है और सतानंद यादव अभी इलाजरत है। इसमें जो शामिल 5 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है और चाकू भी बरामद किया गया है। वहीं इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में 12वीं के एक छात्र ने जहर खा लिया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मैं जहर खाने से मौत का आरोप लगाया गया है, क्या है पूरा मामला? ये दिनांक 6/3 को प्रकाश पिता देवी सिंह 18 साल का था, बाबुली नगर में रहता है, तो इसने अज्ञात कारणों से जहर खा लिया था और 6 तारीख से इसका इलाज चल रहा था, तो 10 तारीख को इसकी मौत हो गई है। नहीं, अभी तो मर्ग कायम किया गया है। जी हाँ, मर्ग जांच चालू है। पढ़ाई करता था, 12वीं क्लास में पढ़ता था, अभी कोई कारण सामने नहीं आया है। परिजनों को कहना है कि ये शराब वराब पीता था, लेकिन अब इसकी स्पष्ट जांच करने बाद ही पता चल पाएगा। हमारा भतीजा भैया का लड़का क्या प्रकाश क्यों लगाई फांसी थोड़ी है भाईजन में? अच्छा, भाईजन जानकारी में नहीं है सर, घर पे कोई ऐसे विवाद नहीं होता, पढ़ाई करता 18 साल का, पढ़ाई करता 12वीं क्लास गांधीनगर सनशाइन स्कूल। नहीं नहीं, कोई मामला नहीं है। नहीं साहब, ऐसा कोई बात लेन देन नहीं, हमको खुद को भी नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हादसा हुआ। मतलब कब आया था जो? ये 6 तारीख को। 6 तारीख को हॉस्पिटल में? नहीं, वहाँ घर के पास में ऐसे खुल होली वाला दिन था, उस दिन उस दिन दोस्तों को कोई घबराहट हुई, उसको फोन लगाया तो दोस्तों ने फिर मालवा हॉस्पिटल एडमिट करा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।